तो वो ये है सबसे छोटी सिस्टर रिया। अच्छा आप खाओ कसम। कसम नहीं खाओ कसम। कसम नहीं मतलब। सो गाइस सुबह के 10:08 आ गए हैं और दोस्तों सच कहूं तो ब्लॉगिंग करते इतना टाइम हो गया, बट यार आप लोगों को कभी भी मैंने अपनी फैमिली से मिलाया ही नहीं। तो आज की इस व्लॉग में मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि क्यों ना अपनी फैमिली के साथ आप लोगों को मिला दूँ। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि मेरे गांव में अच्छी तरह से सुबह हो गई है, धूप निकलाई है और गर्मी तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो चलो अभी मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ घर की तरफ एंड आपको अपने सारे फैमिली मेम्बर से मिलाता हूँ, कौन क्या करता है और सारी की सारी वो चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि आप लोग ही चाहते हो कि मैं फैमिली व्लॉग्स बनाऊँ। तो यहाँ पर सबसे पहले बाहर में दो महाशय बैठे हैं, ठीक है, जो कि धूप सेक रहे हैं। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं आपको सबसे बड़े महाशय से, मतलब हमारे घर की मेरे से छोटी है बट चार सिस्टर है, तो उनमें से सबसे बड़ी ये है जिसका नाम है दीक्षु। सो हेलो दीक्षु। हेलो। कैमरा के सामने ही ऐसा क्यों हो जाता है, नर्वस हो जाते हो क्या तुम? हाँ। हैं, धूप लग रही है। ठीक है, और साथ में ये है जिनका नाम है कविता। अब सबसे बड़ी दीक्षु है लेकिन कविता जो है वो तीसरे नंबर के ऊपर है। बट एक चीज़ है कविता की कि जब से ये स्कूल में पढ़ रही है तब से लेकर आज तक कविता हमेशा फर्स्ट ही आती है ये, और हर टाइम इसके जो 90-95% मार्क्स रहते हैं। तो बहुत अच्छा कि इसने मेरा नाम भी रोशन किया है और सो पापा का भी नाम रोशन किया है। हैं, धन्यवाद ही बोलोगे ये हाथ के जोड़ रहे हो। आपने मेरी इतनी तारीफ की ना। तो नहीं सच में करते हो ना तुम। और दीक्षा जी आप कितने नंबर लाते थे 10th में? अब क्या ही बोलूं दोस्तों। चलो ये भी सही है। तो दीक्षा एक्चुअली घर के कामों में बहुत अच्छी है सीरियसली, और पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी है, बट हाँ मेरी जैसी है, मतलब 90% मार्क्स तो नहीं ला पाती है, बट सही है। चलो बाकी के फैमिली मेम्बर्स से मैं आपको मिलाता हूँ अंदर की तरफ ले जाके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी मेरे घर का एक फैमिली मेम्बर है जिसको जब मैं लाया था दोस्तों तब कितना सा था। ओए ब्रोनी, ये सो गया है पता है। ब्रोनी उठ जा बेटे उठ जा। और गाइस मतलब रात के 10 के बाद घर में कोई भी एंटर नहीं कर सकता जब तक ब्रोनी यहाँ पे है। और देखो अभी अंगड़ाई लेता हुआ, उठ जा बेटा कैमरा में आ रहा है तू। ब्रोनी ब्रोनी उठ जा यार उठ जा। बस इतना है कि ढीठ हो गया थोड़ा, इधर से उधर भाग जाता है पूरा दिन, मतलब यहाँ पे टिक के रहता नहीं है। ठीक है बाकी चलो सो रहे आप बाकी लोगों से भी मिलाता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे ओ हेलो देर, कैसे हो सारे के सारे? और इनको तो आप जानते होंगे, ये है हमारे मशरूम के विनर पल्लवी। तो सबसे बड़ी है दीक्षु, ठीक है, उसके बाद है पल्लवी। अब पल्लवी जो है दोस्तों वो भी पढ़ने लिखने में इसने भी बहुत नाम रोशन किया है सीरियसली, पापा का, मम्मी का, मेरा भी। ठीक है, और कविता से लायक हो या थोड़ा थोड़ा कम? मतलब कविता का 92-95% मार्क्स लाती है तो ये 89-87 के बीच में रहती है। बट बहुत अच्छा लगता है जब भी मतलब स्कूल कॉलेज हर जगह पे मतलब इन लड़कियों ने मतलब यार एक नाम जो है रोशन कर दिया है। तो गुड, कुछ बोल दो, आओ मुंह से फूट लो। ऐसे मैंने बुचुप रहने के लिए नहीं बोला तुम्हें। तो लोग पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि तुम तो ब्लॉगर भी बन सकती हो, अपनी बहन को ब्लॉगिंग करना सिखाओ। कोई नहीं, मैं कर दूंगी स्टार्ट। करना है स्टार्ट? कब से कर रहे हो? देखते हैं अभी थोड़ा, मतलब कैमरा के सामने ही होता है ना तो ही तो लग जाएंगे अभी 1-2 साल। 1-2 साल में हो जाएगा? अच्छा चलो ठीक है। तो ऐसा बोलना है पल्लू का, शायद वो ही व्लॉगिंग ट्राई करे, एटलीस्ट अपना यूट्यूब चैनल खोल के ट्राई करे। ठीक है, तो ये एक्चुअली देखो दीक्षा से छोटी है और कविता से बड़ी है, ये दूसरे नंबर के ऊपर है। अब बात ये है कि ये घर में सबसे शरीफ भी है क्योंकि लड़ती नहीं है किसी के साथ भी, ठीक है, इनोसेंट। बट यहाँ पे आप की शरीफ, ये शरीफ, इसको शरीफ बोल रहे हो? क्यों देख से कम नहीं, सीरियसली देखो सबसे। देखो सबसे लड़ाकू इंसान अगर मेरे घर में कोई है, मैं सबसे शरीफ हूँ। नहीं गाइस, अगर मेरे साथ कोई लड़ता है ना, मेरे साथ अगर कोई फाइट करता है तो वो ये है सबसे छोटी सिस्टर रिया। अच्छा आप खाओ कसम। कसम नहीं खाओ कसम। कसम नहीं मतलब सीरियसली। और मैं आपको एक चीज बता दूं, बात बताऊं, अगर पढ़ाई लिखाएगी तो सेम लेवल है, बस इसमें अच्छा गुण ये नहीं है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही लड़ती है, बाकियों का तो मुझे पता नहीं। कविता जो है वो घर में सबसे डेंजरस है लड़ने के मामले में, और दीक्षा और ये थोड़े शांत रहते हैं। और मैं सबसे शरीफ हूँ। और मैं सबसे शरीफ और नाम क्या रखा है मैंने तुम्हारा?
बेहद ही घटिया इंसान कुछ भी मतलब ठीक है। बाकी यार सीरियसली अगर बात बताओ तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सेम पढ़ाई में बस तीनों तेज है, ये भी और रिया भी, बस मुझे और दीक्षु को छोड़कर। वैसे हम लोग भी तेज है काफी ज्यादा, ऐसी बात नहीं है, बट इनके बराबर के नहीं है। मतलब अब आगे देखते हैं, मैं तो किसी को रोकता नहीं हूँ कि भाई आप जहाँ तक स्टडी कर सकते हो मैं बोलता हूँ करो भाई, जितने दूर पढ़ना है पढ़ो, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं रहेगी। क्या बनोगे पढ़ लिख कर बड़े होकर, कोई सोचा है अभी? यूट्यूबर बनना है क्या? हाँ, देखते फिर तो छोड़ दो स्टडी, फिर जरूरी नहीं है स्टडी को भी साथ में। चलो बढ़िया बढ़िया, आपको क्या बनना है मैडम? मेरे को बहुत कुछ बनना है फिलहाल। वो बनना है बॉक्सर? नहीं नहीं बॉक्सर नहीं बनना, बॉक्सिंग चैंपियन वाले। मम्मी कहाँ पे? मम्मी। चलो फिर अभी मैं आपको अपनी मम्मी के साथ भी मिला देता हूँ। मम्मी है किचन में। मम्मी जी हेलो। ओहो खाना चल रहा है, खाना रुको मैं वो लेके आता हूँ। देखो हमारे यहाँ बैठने के लिए ऐसे करके इनको बिछाते हैं नीचे बैठने के लिए, क्योंकि हम चेयर पे तो बैठ के खाना खाते नहीं। तो माता श्री सबसे पहले सबकी ओर से आपको नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते जी। क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया था क्या? नहीं सुनाई दिया था। अच्छा जी, तो यार सीरियसली बताऊँ तो यही अभी बोलते हैं ना, मेन कंट्रोलर जो होता है घर का वो मम्मी जी ही है, ठीक है। और अब जैसा ये बोलते हैं वैसा ही पूरा का पूरा घर चलता है और वैसा चलना भी चाहिए। अच्छा मम्मी जी, आप ये बताओ कि आपकी चार लड़कियाँ हैं एक लड़का है, तो सबसे लायक कौन है पहले तो ये बता दो आपकी नजर में। मेरे को सभी लायक है, पांचों के पांच। नहीं नहीं फिर भी सब पढ़ाई लिखाई में सबसे लायक कौन है आप सच बताओ, आज तक मैंने पूछा नहीं। सबसे लायक तो मेरी तीन लड़कियां पढ़ाई। अच्छा और सबसे डग कौन है? नहीं ऐसे नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं बता दो सबसे डग कौन है, कोई बात नहीं मुझे पता। आप दोनों है बड़े भाई बहन है, और कौन है? दोनों डग है आपको और क्या है? तू भी और दीक्षु भी डग समझते हो ना दोस्तों, जो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा वो नहीं होते है वो सीरियसली है, ठीक है। तो अभी खाना यहाँ पे आप देख सकते हो, खाने में क्या बना है आज? माँ की दाल और बीच में घी और चावल। मम्मी एक अपने हाथों से खिला दो यार, आज दिल कर रहा है माँ के हाथों का खाने का, जो स्वाद है वो शायद से कहीं मिलेगा। हल्का सा देना ना, दे दो दे दो। वाह लव यू। बस एक चीज बताऊंगा, मेरी मम्मी की सबसे बड़ी कमजोरी जो है, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई मम्मी को क्यों नहीं ले जाता घुमाने ये वो, इनको घर छोड़ के कहीं नहीं जाना है भाई, जो मर्जी हो जाए दुनिया में इनको कुछ लेना देना नहीं है। मम्मी बताओ आप क्यों नहीं जाते हो? ऐसे घर में काम है ना बहुत, घर में रखे गाय रखे सब कुछ रखा, तो छोड़कर किसने देखने पीछे मैं वहाँ चले जाऊंगी? क्यों, बहनें भी तो हैं वो भी देख सकती हैं। वो अभी तक छोटी है ना घर में, लड़की हुआ अकेली कैसे छोड़ सकती हूँ, ये तो होना चाहिए ना घर में। यार तुम इतना सोच लो दोस्तों कि मम्मी बीमार हो जाती है, मैं मैक्सिमम टाइम बोलता हूँ कि मम्मी हॉस्पिटल तो चलो एटलीस्ट, बट वो एग्री नहीं करते, उनको जाना ही नहीं है भाई, छोड़ के नहीं जाना घर, पता नहीं क्यों ऐसा है। आप लोग कमेंट करके थोड़ा बताइएगा, अगर मम्मी एग्री करती है तो बिलीव मी कि जहाँ पे भी आप बोलोगे वहाँ पे घुमाने ले जाऊंगा, बट चलोगी मम्मी? जाऊंगी जाऊंगी। झूठ हाथ के दांत दिखाने के और खाने के और चबाने के? जाऊंगी जाऊंगी नहीं, कैसे दिखाने को कैसे, पक्का दिखाकर भी दिखाऊंगी, जाकर भी दिखाऊंगी ना कैसे है दांत। चलो तो ब्लॉगिंग में कर रहा हूँ, यहाँ पे देखते हैं मम्मी कैमरा के लेंस की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे देखोगे तो लोग बोलेंगे क्या बोलते हो भेंगे नहीं होते वैसे जो देखते है उन लोगों के, वैसा तो नहीं है। तो गाइस कुछ इस तरह से मेरी हल्की सी फैमिली है, ठीक है, और बड़े प्यार व्यार से सारे के सारे लोग रहते हैं। तो आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दिया, अभी आप लोगों को फैमिली ब्लॉग चाहिए तो डोंट वरी, आपको सारे के सारे ब्लॉग जो है दोस्तों वो फैमिली ब्लॉग मिलेंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और वीडियो में। मम्मी बोल दो सारे लोगों को कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बोल दो जैसे बोला जाता है वैसे। चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब। चलो ठीक है बोल लेते हैं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, पहले जब नए नए थे तब बोल नहीं पाते थे। तो चलो आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और वीडियो में, भगवान करे आपका समय शुभ हो, टेक केयर एंड बाय बाय।